सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले की रेटिंग हम कैसे सेलेक्ट करें। ये सुरजीत दास जी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था ये वीडियो। उनको ये जानना था कि ओवरलोड ले और हम कॉन्ट्रैक्टर को किस तरीके से सिलेक्ट करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर काम करते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है कि हमें जो ये ओवरलोड रिले सेलेक्ट करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम अपने किसी इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवरलोड रिले लगाते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद जाकर के हम OLR को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ओवरलोड रिले को हम सेलेक्ट करते हैं। हमें प्रॉपर रेटिंग का ध्यान रखना होता है कि हम कितनी रेटिंग का ओवरलोड रिले यूज़ कर रहे हैं और मोटर की, मतलब कि मोटर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इस रिले को सेलेक्ट करते हैं। सेम हमारा कॉन्ट्रैक्टर का भी होता है। कॉन्ट्रैक्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं, इनकी भी कुछ रेटिंग्स होती हैं और जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी होती है, हमको ये बिल्कुल ध्यान से केयरफुली देख करके उसके बाद इनको इंस्टॉल करना होता है। ओके, तो चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको सेलेक्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ओवरलोड रिले या फिर कॉन्ट्रैक्टर को इंस्टॉल करने से पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की। तो यहाँ पे मैंने दो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर दिखा रखे हैं आपको, एक है सीमेंस का, दूसरा है L&T का। ये इंडस्ट्री में L&T और सीमेंस भी यूज किए जाते हैं, लेकिन स्नाइडर जो है कंपनी, ये कुछ ज़्यादा स्नाइडर के यूज किए जाते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है कि हम कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। जो आपकी कंपनी में यूज़ हो रहा है वो आप उसमें देख लीजिए। सभी कंपनी के जो आप कॉन्ट्रैक्टर लेंगे तो यहाँ पे साइड में एक स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का जो कवर होगा उस कवर के अंदर भी एक मैनुअल होता है। उस मैनुअल को पढ़ करके भी आप देख सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग क्या है। वैसे कॉन्ट्रैक्टर पर लिखा हुआ रहता है इसकी रेटिंग का। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग की, तो सबसे पहले अगर हम थ्री फेज़ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को ले रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये थ्री फेज़ का ज़्यादातर जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट तक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थ्री फेज़ में 440 वोल्ट हम कहते हैं, बट होती नहीं है 440 वोल्ट, 410, 415, 420 इतनी ही रहती है थ्री फेज़ में। तो अगर हम बात करें इसके टर्मिनल्स की, तो इसके टर्मिनल्स देखिए, यहाँ पे तीन टर्मिनल्स यहाँ पे RYV थ्री फेज़ के लिए हैं और एक जो टर्मिनल यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है उन्होंने, या NO या फिर NC, या तो NO होगा या फिर NC होगा। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टरों में ये NO होता है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग देनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये NO दिया हुआ रहता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा NO दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ तीन टर्मिनल दे रखे हैं, यानी कि ये तीन RYB के लिए हैं, हमारी मेन के लिए है। अगर हम इसको ऊपर से ऑक्सिलरी लगा करके इसमें NO या NC ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चार NO या NC हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो बात आती है कि हमारी इसकी रेटिंग की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें जिस चीज़ के लिए हम इसको कॉन्ट्रैक्टर या फिर रिले को यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी रेटिंग का पता होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हमारी कोई मोटर है 1 HP की, तो 1 HP की जो मोटर होगी हमारी, वो मैक्सिमम करंट लेगी 1.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 एम्पियर तक इसने करंट लेना है। 1.5 एम्पियर मीन्स ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर हमारी मोटर करंट लेती है तो हो सकता है मोटर का जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाए या फिर हमारी मोटर जो है वो जल जाए। तो इससे ज़्यादा करंट हमें मोटर को नहीं देना होता है 1 HP के केस में। हमारी जो भी थ्री फेज़ की इंडक्शन मोटरें होती हैं वो 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेती है, यानी कि जिस रेटिंग की होगी उससे 1.5 गुना ज़्यादा वो करंट लेगी। अगर 1 HP की है तो 1.5 एम्पियर वो करंट लेगी, अगर 2 HP की है तो वो 3 एम्पियर करंट लेगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 एम्पियर के लोड के लिए, तो 1 एम्पियर के लोड के लिए हम जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे वो जो मिनिमम रेंज होती है, मिनिमम रेंज शायद 40 एम्पियर तक के कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम रेंज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इससे भी अगर कम में अगर होते हों तो शायद, मेरे को पता नहीं है, होते हो शायद, लेकिन जो मैंने मिनिमम रेंज के जो कॉन्ट्रैक्टर देखे हैं वो 40 एम्पियर तक के देखे हैं, क्योंकि जो मैंने यूज़ किए हैं वो 40 एम्पियर तक के यूज़ किए हैं मिनिमम।
ठीक है, तो हो सकता है इससे भी कम मिनिमम में और भी कम रेटिंग के कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल होते हों मार्केट में। अगर इससे भी कम रेटिंग के होते हों तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 1.5 एम्पियर का हमारा लोड है तो हमें जो कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग चाहिए वो हमें मैक्सिमम, अगर आप कहें तो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मार्केट में 10 एम्पियर तक का कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है तो आप 10 एम्पियर का भी यूज़ कर सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सॉरी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर। ठीक है, तो हम इसके जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये 1 एम्पियर इसकी रेटिंग क्यों दी हुई रहती है ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। जो इसकी कॉइल होती है, कॉइल तो हमारी एसी या डीसी किसी में भी हो सकती है, तो इस एम्पियर से हमारा कॉइल से कोई मतलब नहीं है, यानी कि कॉइल का इस एम्पियर से 10 एम्पियर से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब होता है एम्पियर्स का, जो हम मैन्युफैक्चरर जो डिसाइड करता है वो ये करता है कि जो इसके अलग होने वाले टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि जो एनओ और एनसी बनाते हैं, इन जो जो इन टर्मिनल्स का जो मटेरियल होता है वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई जो इसमें प्लंजर लगा होगा जो इसको ऑन और ऑफ करेगा, ठीक है, उसमें जो कनेक्टर्स लगे होंगे वो कनेक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरर ने 10 एम्पियर के लिए डिसाइड किया हुआ है और हम इसमें अगर मान लीजिए 20 एम्पियर अगर हम इस कॉन्ट्रैक्टर में से फ्लो करते हैं तो क्या होगा, उसके टर्मिनल्स जो होंगे वो जल जाएंगे। यहाँ पे जो टर्मिनल्स ऑन और ऑफ होने वाले टर्मिनल्स जो हैं, जो इन इसको एनओ और एनसी बनाते हैं, वो क्या होंगे, वो जल जाएंगे। तो जल जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें रेटिंग के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपका लोड है 2 एम्पियर तो आप मैक्सिमम 10 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम है ये। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप 40 एम्पियर तक का भी यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर तो कोई मतलब कि गलत बात नहीं है। इसमें आपको क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सेफ रहेगा, इसके टर्मिनल जो होंगे वो सेफ रहेंगे, इसकी जो लाइफ है वो लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर इसमें ख़राब होता ही क्या है, देखिए इसमें ख़राब जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हमारे, या तो इसके टर्मिनल्स ख़राब होंगे, यहाँ पे जो टर्मिनल्स होते हैं जो इसको एनओ और एनसी बनाते हैं वो ख़राब होते हैं, या फिर हमारी जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो हमारी कॉइल ख़राब होती है, हमारी कॉइल जल जाती है। अगर ये एसी में है तो एसी 220 वोल्ट में है तो वो ख़राब हो जाएगी, या फिर 440 वोल्ट की भी हो सकती है, या फिर 42 वोल्ट एसी में हो सकती है, या फिर 24 वोल्ट डीसी में हो सकती है इसकी जो कॉइल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओवरलोड रिले, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवरलोड रिले जो होती है हमारी, ये हमें बिल्कुल केयरफुली इंस्टॉल भी करनी होती है और बिल्कुल केयरफुली हमें ये सेलेक्ट भी करनी होती है। एक यहाँ पे ये रिसेट का ऑप्शन है, बटन है, और दूसरा ये स्टॉप का बटन है। मैंने ओवरलोड रिले की एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको ओवरलोड रिले का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, इसका कंस्ट्रक्शन बताया था और इसका यूजेस भी बताए थे, लेकिन उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किस रेटिंग के लिए हम कौन सा ओवरलोड रिले यूज करें, यानी कि किस लोड के लिए, किस कितनी रेटिंग के लोड के लिए हम कौन सा ओवरलोड रिले यूज कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि 1 HP की हमारी जो मोटर होगी वो 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेगी, यानी कि 1.5 एम्पियर करंट लेगी। तो 1.5 एम्पियर करंट लेगी तो हमें क्या काम करना है, हमें इस ओवरलोड रिले को 1.5 पर सेट कर देना है। ठीक है, तो हमें इसका जो मिनिमम, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसे सेट करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर दिया हुआ रहता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमें कितना मिनिमम एम्पियर, अगर इसमें से अगर हमने मान लीजिए इसको सेट कर दिया 5 एम्पियर पर, तो अगर इस ओवरलोड रिले में से 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर का जो एक प्लंजर होता है जो कि एनओ और एनसी बनाता है इसको, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद वो ऐसे वो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा होते ही क्या होगा, वो अपना एनओ और एनसी जो है वो, अगर एनसी है तो वो एनओ बन जाएगा। ठीक है, एनसी होगा तो तभी ये आगे सप्लाई पास करेगा, और जैसे ही ये एनओ बन जाएगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और सर्किट को ये क्लोज कर देगा, यानी कि इससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्टर क्या काम होगा, ये ऑफ हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा तो हमारा जो इससे इनपुट दे रखी थी हमने RYB, या आउटपुट में हमको आउटपुट नहीं देगा क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये एनओ बन जाएगा, यानी कि ओवरलोड रिले के एनओ बनते ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी एनओ बन जाएगा, पूरा का पूरा ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो
जैसे कि हमने बताया था कि 1 HP की मोटर के लिए, अगर 1 HP की मोटर है तो वो 1.5 एम्पियर करंट लेती है, तो हमें इसको 1.5 एम्पियर पर ही सेट करना पड़ेगा इस ओवरलोड रिले को। अगर हम 1.5 एम्पियर पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ही हमारे ये मोटर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अगर मान लीजिए हमने इसको 1.5 एम्पियर हमारी हमारा लोड है, अगर हम इसको मान लीजिए 4 एम्पियर पर सेट कर देते हैं या फिर 5 एम्पियर पर सेट कर देते हैं, तो जब तक, अब मान लीजिए 1.5 एम्पियर तो हमारी मोटर के मैक्सिमम करंट की लिमिट है, अगर इसमें मोटर में 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा तो हमारी मोटर का तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा या फिर वो जल जाएगी। क्योंकि जो मोटर, जो मैन्युफैक्चरर मोटर को डिसाइड करता है या फिर उसकी वाइंडिंग जिस तरीके से करता है, तो वो डिसाइड करता है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें वाइंडिंग करता है। तो हमें भी ओवरलोड रिले को इंस्टॉल करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में हमारा ओवरलोड रिले आता हो, यानी कि अगर 1.5 एम्पियर में अगर हमको लोड चाहिए तो 1.5 एम्पियर, मतलब कि मिनिमम 1.5 एम्पियर तो इसका कम से कम होना चाहिए, इसकी रेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रहती है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन होगी और यहाँ पे पॉइंटर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे मिनिमम 1.5 एम्पियर तो होना ही चाहिए। ज़्यादा अगर 1.5 एम्पियर है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे 1.5 एम्पियर होगा और आगे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से क्लॉकवाइज में इसमें रेटिंग लिखी होगी, लेकिन मिनिमम हमारी ये वैल्यू होनी चाहिए जो हमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मान लीजिए हमें 5 HP की मोटर है, तो 5 HP की मोटर हमारी लेगी 7.5 एम्पियर करंट। तो इससे ओवरलोड रिले जो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, वो ओवरलोड रिले हम मिनिमम 7.5 एम्पियर तक का, जो यहाँ पे पॉइंटर है, देखिए जो यहाँ पे पॉइंटर है इसका, इसमें मिनिमम 7.5 एम्पियर होना चाहिए। 7.5 एम्पियर नहीं भी हो तो 8 एम्पियर फिर भी मिनिमम इसमें होना चाहिए, जिसका हम पॉइंटर 8 एम्पियर पर सेलेक्ट कर सकें और उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर सकें। ओके, मैक्सिमम कितना भी हो हमें उस चीज़ से मतलब नहीं होता है, मिनिमम, लेकिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट है मिनिमम उतना ओवरलोड रिले में सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। ओके गाइज, तो ये था कि हम कॉन्टैक्टर को और ओवरलोड रिले को किस तरीके से हम इसकी रेटिंग को सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंस्टॉल करने के लिए ओवरलोड रिले को लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें कितना ध्यान रखना होता है ओवरलोड रिले का। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि टाइम टू टाइम, अब मान लीजिए हमने कोई ओवरलोड रिले यूज किया और कुछ टाइम के बाद, यानी कि 5 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा कि इस ओवरलोड रिले में काफ़ी, अगर हमारा मशीन का पैनल ओपन रहता है या फिर हमने इस ओवरलोड रिले को ऐसी जगह लगा रखा है जहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर रहता है या फिर काफ़ी, मतलब कि धूल वगैरह जाती है पैनल के अंदर, तो क्या होगा हमारा जो इसका इंसुलेशन है, यानी कि हमारा जो इसमें अंदर बायोमेटलिक स्ट्रिप लगी हुई है उसमें भी धूल जम जाएगी या फिर काफ़ी मॉइस्चर जम जाएगा, तो उससे क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हमने मान लीजिए इसको 2 एम्पियर पर सेट कर रखा है, तो इसमें से अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट भी फ्लो होने लगेगी तो ये बायोमेटलिक स्ट्रिप जो है वो ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि क्या होगा मॉइस्चर की वजह से इसका जो बायोमेटलिक स्ट्रिप का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, और हमें टाइम टू टाइम, यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद जो भी हम इसे सेलेक्ट करेंगे 5 महीने या 6 महीने के बाद, हमें इसको ट्रिप करवा के देखना होता है। अगर हमने इसको 2 एम्पियर पर सेलेक्ट कर दिया तो हमें इसको मिनिमम एम्पियर पर सेलेक्ट करके हम अपनी जो ओवरलोड रिले है इसको ट्रिप करवा करके देखते हैं कि ये क्या सही काम कर रहा है। क्योंकि एक ओवरलोड रिले, अगर इसका प्राइस इतना नहीं होता जितना हमें मोटर का जो रिवाइंडिंग करवाने के लिए उसका प्राइस पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्टर और ओवरलोड रिले को सिलेक्ट करते हैं इंस्टॉल करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।